सो हे एवरीवन, दिस इज एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपको पता है ये वाला जो एमटी है वो मैं ऑन करता हूँ। सो आज हम इसका एक फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ गियर का टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे, मतलब डेडिकेटेड ये वाला जो वीडियो आज हम परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे ऑफ दिस MT-15। सो देखते हैं ये जो बाइक है वो मेरे वेट के साथ कैसा परफॉर्म करता है। आई एम 72 kg। ये जो बाइक है हर एक गियर में कितना टॉप स्पीड बनाता है, एंड फिफ्थ एंड सिक्स गियर का अभी मैं नहीं करूँगा बिकॉज जो रोड है उतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत गाड़ी है यहाँ पे रोड्स में, उतना अच्छा सेफ नहीं होगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा फॉर ऑल द यामा फैन बॉयज़, क्योंकि वो लोग यामा मतलब जो लोग R15 MT को पसंद करते हैं उन लोगों को ऐसा परफॉर्मेंस टेस्ट पसंद है। सो मैंने सोचा अब ये वाला चीज़ भी स्टार्ट करूँगा मैं अपने चैनल पे। सो हियर इट इज़। सो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। फर्स्ट ऐसा परफॉर्मेंस टेस्ट होगा जो मैं अपने चैनल में कर रहा हूँ। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, एंड ऑब्वियसली जो लोग यामा फैन बॉयज़ हो, जो लोग MT-15 R15 पसंद करते हो, ऐसा परफॉर्मेंस टेस्ट और देखना चाहते हो, सो प्लीज़ कमेंट करना। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गए गाइस, अब इतना बातें करते करते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत लोगों का मानना ही है ये MT-15 है या R15 है, ये दोनों बाइक जो है टॉप एंड बहुत रेंगते रेंगते एकदम, मतलब बहुत ही टाइम लगाता है टॉप एंड तक पहुंचने में। मतलब जो R15 का टॉप स्पीड है 150+ एंड MT-15 जो 140+ जाता है, दैट इज़ बहुत रेंगते रेंगते एकदम बहुत स्लोली जाता है। तो आज हम वही देखेंगे कि इन दिस रियल वर्ल्ड वैसा ही होता है, बस इन दोनों बाइक को रोस्ट करने के चक्कर में वैसा वीडियो बनाता है। सो नाउ वी आर इन 2000 RPM, सो लेट्स गो। फर्स्ट गियर में 45, सेकंड गियर में 67, थर्ड गियर में 90, नाउ द फोर्थ गियर 107, ओ तो एक और बार अटेम्प्ट करते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन था वैसे अभी, तो अब हम जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको एक बार बंद करके ट्राई करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल बंद हो चुका है एंड यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट जल रहा है, मतलब ये ट्रैक्शन कंट्रोल बंद है। सो रेडी, इन अ काउंट ऑफ 3, 2, 1, 45 इन फर्स्ट गियर, 67 इन सेकेंड गियर, 91 इन थर्ड गियर, 107 इन फोर्थ गियर। गाइस, मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड गियर का ही बस टॉप स्पीड टेस्ट करूंगा, बट हाँ जब रोड उतना मिल रहा है तो फोर्थ गियर का भी अपन ने कर लिया। सो रहता है बस और दो गियर, द फिफ्थ गियर एंड द सिक्स्थ गियर। सो जैसे ये जो बाइक रिएक्ट कर रहा है आफ्टर द 7000 RPM, सो मुझे लगता है ये 140 to 145 के बीच में ये टॉप एंड इसका जो है वो उसके उतना तक ही जाएगा। मतलब अगर इनिशियली देखा जाए बिलो 7000 RPM भी इसका जो स्पीड है वो नॉर्मल ही रहता है, बट जब 7000 RPM किकिंग करता है, मैंने वो फील किया, उसके बाद जो हर एक गियर में जो स्पीड है वो आपको ज़्यादा मिलता है। हर एक गियर में जो टॉप स्पीड ये बना रहा है, डेफिनेटली इसका गियर ज़्यादा है तो हर एक गियर में जो ये स्पीड रेशियो है वो डेफिनेटली एक 160 एंड 150 सेगमेंट के बाइक से आपको डेफिनेटली ज़्यादा पावर मिलता है। मतलब जो स्पीड रेशियो है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड गियर, जो मैंने फोर्थ गियर तक मैंने जो कंपेयर किया। गाइज लास्टली एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि इतना ज़्यादा रेव होने के बाद जो इंजन है वो कैसा साउंड करता है। तो जैसे कि आप सुन पा रहे होगे, दिस इज़ द
आइडल साउंड ऑफ द बाइक, थोड़ा सा हम हल्का रेव करेंगे अराउंड 4 to 5,000 RPM। ये एक मिड रेंज का आपको अंदाजा होगा साउंड का। अब थोड़ा हायर आरपीएम तक रेव करेंगे हम लोग। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर द MT-15 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ गियर का मैंने आज टॉप स्पीड टेस्ट मैंने आपको दिखाया। होप आपको ये वाला जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, टाटा। एंड मैंने ये जो राइडिंग ग्लव्स है मैंने न्यूली बाई किया है, तो बताना जो इसका लुक्स है वो कैसा लग रहा है। प्रोटेक्शन ठीक ठाक है, नॉट दैट टॉप नॉच, पर हाँ दिखने में मुझे अच्छा लगा, इस कारण से मैंने ऑर्डर कर दिया इसको। राइडर्स कमेंट करना कि ऐसे और एक्सेसरीज आपको अगर देखना है तो मैं और ऐसे एक्सेसरीज अपने वीडियो में लाता रहूँगा। एंड आपको हेलमेट वगैरह या ग्लव्स वगैरह अगर वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट करना।